केशोराय पाटन में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर चंबल में महास्नान की 322 साल पुरानी परंपरा इस बार कोरोना के चलते टूट गई। घाट और गली चौराहों पर सूनापन और सन्नाटा पसरा नजर आया। दरअसल जिला प्रशासन के निर्देश पर उपखंड प्रशासन ने कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान पर पाबंदी लगाते हुए चंबल के घाटों को बंद कर दिया। इतना ही नहीं, केशोराय जी मंदिर में दर्शनों पर भी पाबंदी लगा दी गई। इसकी जानकारी नहीं होने के कारण कई श्रद्धालु पहुंच गए, लेकिन स्नान नहीं होने और केशोराय जी के दर्शन नहीं मिलने के कारण उन्हें मायूस लौटना पड़ा। यहां चंबल नदी में स्नान और दान पुण्य करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। इस दौरान पूरे कस्बे में रौनक रहती है। कस्बे की गली चौराहे श्रद्धालुओं से अटे रहते हैं। वहीं चंबल के घाटों पर भीड़ नजर आती है, लेकिन इस बार कोरोना लोगों की भक्ति के बीच आड़े आ गया। पिछले सालों में यहां कार्तिक पूर्णिमा पर 1 लाख से अधिक लोग आते हैं। इतने लोगों की भीड़ से कोरोना गाइडलाइन की पालना कराना प्रशासन के बस की बात नहीं थी। इस कारण स्नान और दर्शनों पर रोक लगानी पड़ी।